खनिज संपदाओं से भरा अपना झारखंड, बड़ी बड़ी कंपनियां, बावजूद इसके यहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की यहां कोई कदर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी खिलाड़ी कोई सब्जी बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, तो कोई ईंट भट्टे में काम कर अपना परिवार चला रही है। ये दुर्भाग्य ही है, जो देश का नाम रोशन करना चाहती थी वो आज खुद अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही गांव में जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज भी सरकारी मदद की आस में बैठी हैं। ये है धनबाद जिले की तोपचांची प्रखंड स्थित बिशनपुर पंचायत का लक्ष्मीपुर गांव, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है। यहां की बेटियां देश के लिए कई मेडल तो ला चुकी हैं, जिसमें एक बेटी आशा भी है जो अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी मेडल लाकर अपनी जोहर को दिखाकर देश का नाम रोशन कर चुकी है। आशा के पिता डेलूराम महतो की वर्षों पहले मौत हो चुकी है। स्वर्गीय डेलूराम महतो की 3 बेटी और 1 बेटा है। आशा के पिता गुजर जाने के बाद दूसरों के खेतों में काम कर आशा की मां ने बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 बहनों में 2 बहन फुटबॉल खेलकर देश को मेडल दिला चुकी है। आगे भी दोनों बहन देश के लिए फुटबॉल खेलना चाहती है, पर आर्थिक तंगी की वजह से आशा के परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आशा अब खेतों में काम करने को मजबूर है। आशा की माने तो अन्य राज्यों में जो सम्मान खिलाड़ियों को मिलता है वो सम्मान झारखंड राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि 2018 में भूटान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद अपनी पहचान को मोहताज, घर चलाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कई अवसर हैं, बावजूद इसके खिलाड़ियों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की पहचान अब मीडिया के भरोसे है। जब मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मजबूरियां दिखाई जाती है, तब जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की आंखें खुलती हैं और कुछ अनाज और चेक देकर फिर भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल नहीं बढ़ता। खिलाड़ी को सरकार खेल कोटे से नौकरी दे ताकि बाकी खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़े और देश के प्रति खेल कर अपने देश का नाम रोशन करे। वही आशा की छोटी बहन भी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपनी जोहर दिखाना चाहती है, पर सरकार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलने से मनोबल टूटता नजर आ रहा है। बहरहाल अब ये देखना है कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन कब तक ऐसे खिलाड़ियों को मदद पहुंचाती है जो देश के लिए मेडल लाने का काम कर रहे हैं। सर, आशा कुमारी, हम लक्ष्मीपुर से हैं और मेरा पंचायत बिशनपुर प्रखंड तोपचांची है। हम यहीं लक्ष्मीपुर में 2010 से फुटबॉल स्टार्ट किए थे। जो हमारे कोच है वो उदय मिश्रा हैं। यहाँ पे हम लोग 2 साल बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए थे। हम लोग का फुटबॉल भी बहुत अच्छा, एक टीम गर्ल्स टीम, मतलब बोला जाए तो झारखंड का टॉप टीम खड़ा हो गया था, इतना अच्छा हम लोग का टीम यहाँ था, बना था। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट खेलने गए थे सरायकेला खरसावां। वहाँ से मतलब वहाँ हर एक तरह से हम लोग का पोजीशन भी बहुत अच्छा रहा था, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का। हम लोग वहाँ विनर भी हुए थे। उसके बाद वहाँ से हम लोग डायरेक्ट पाइका नेशनल खेलने गए। कुछ कुछ लड़की का सिलेक्शन हुआ क्योंकि पूरा झारखंड से टीम बनती है, तो हम लोग खेले। उसके बाद हम कंटिन्यू नेशनल खेलते गए, तो खेलने के कारण हम घर में नहीं रहने सकते थे। उसके मेरा देख देख के मेरी छोटी बहन भी खेलना स्टार्ट कर दी। हम लोग घर में 5 पापा लोग का सबका बेटी लोग खेलती थी, पर खेलते खेलते सब खेलती थी, सब भी नेशनल खेली, डिस्ट्रिक्ट खेली। उसके बाद देखे जैसे मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि मेरे पापा का देहांत हुए 20 साल हो चुके हैं, जिसके वजह से मेरी मम्मी मजदूरी के लिए बाहर जाने लगी। वो सब्जी उठा के बेचती है बाजार में, तो इसके वजह से ना ही घर में कोई रहते थे। तो मेरा भैया का, मेरी मम्मी का कहना था कि भैया को शादी कर लो। भैया का पढ़ाई छोड़वा दी मम्मी। 12th वो साइंस लेके किए मेरा भैया, और उसके बाद 12th के बाद वो बी में एडमिशन कराने के बाद जब हम लोग का स्थिति देखे भैया की, सब दोनों खेलने लगी है, तो भैया बोले ठीक है, अगर ये सब जरूरी नहीं कि सब पढ़ के आगे बढ़े, अगर ये इसमें खेलने का इंटरेस्ट है तो वो खेले। तो हम दोनों बहन को खेलना शुरू कर दिए। फिर देखे कि मेरी मम्मी सब्जी बेच के आती थी और खाना भी नहीं बनाती थी, सो जाती थी, क्योंकि दिन भर इधर उधर भटक के सब्जी बेचना फिर आके खाना बनाना। तो ये भैया से दिखाने गया, भैया फिर बोले कि ठीक है, मम्मी बोली कि भैया से कि तुम शादी कर लो, मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है, और मेरी मम्मी को धूप में काम करने से चक्कर भी आ जाता है, तो इस वजह से मेरी मम्मी का तबीयत भी बहुत ख़राब रहता था, बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब रहता। एक बार मम्मी का एक्सीडेंट भी हो गया था चक्कर के वजह से, तो भैया शादी कर लिया। मेरी भाभी भी हम ही लोग की एज की है और उसका भी एक बच्चा है। तो अभी 2018 में इंटरनेशनल खेले। फिर थाईलैंड जाने से पहले हमको इंजुरी हो गया। जब इंजुरी हुआ तो मेरा हेल्प में कोई भी नहीं आया, जितना भी ट्रीटमेंट लगा मेरा उदय सर और मेरा घर से और फरियाद सर दिए,
ट्रीटमेंट होने के बाद भी हम बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, ईस्ट बंगाल खेले, गोकुलम क्लब खेले, फिर कैंकरे क्लब खेले, और अभी नेपाल जस्ट खेल के आए हम जनवरी में, जहाँ की हमको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला वहाँ पे। इंजुरी के बाद जब हम एक बार डीसी से मिलने गए थे धनबाद पे, वहाँ पे बोले थे कि तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तो मेरा वो उस टाइम सेमेस्टर 5 चल रहा था, तो सर उस टाइम बोल रहे थे कि प्राइवेट जॉब देंगे, तो हम बोले सर प्राइवेट जॉब अगर हम आप मेरा सर्टिफिकेट एक बार देखिए, और अगर आप देखने के बाद लगता है कि हम प्राइवेट जॉब करने के लायक है तो आप हम जरूर उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो जब सर मेरा सर्टिफिकेट देखे, डिस्ट्रिक्ट नेशनल सबका सर्टिफिकेट देखे, तो फिर सर बोले नहीं तुम उस काबिल हो ही नहीं, तुम्हारा जगह कहीं और होना चाहिए। तो सर बोले जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तुम मेरे पास आना। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसी टाइम लॉकडाउन हो गया, मेरा 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद से जब लॉकडाउन हुआ तब उसके बाद कुछ दिन के बाद जब हम घर आए तो पता चला कि हम लोग का डीसी सर चेंज हो गए। तो फिर हम कुछ नहीं बोले, मम्मी के साथ हम खेती करने लगे। हम बोले कि हमारे जैसे बहुत सारे झारखंड में प्लेयर है। तो जब हम लोग का हेमंत सोरेन एक वैकेंसी निकाले थे सीधी निकली, जिसमें कि हम लोग तो बस इंडिया खेले, उसमें ओलंपिक का यह दिया हुआ था, पर ओलंपिक तो हम लोग के झारखंड से कभी खेला ही नहीं, तो उस वैकेंसी भी मेरा नहीं हुआ। हम अपना स्टेट छोड़ के हम असम राइफल ट्रायल भी देने गए थे, वहाँ पे हम ट्रायल भी दिए, मेडिकल भी पास हुए, पर जहाँ का कोच होता है ना, बोला जाता है जहाँ का कोच होता है वो प्लेयर अपना ही प्लेयर ज़्यादा देखा जाता है, वहाँ भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मेडिकल उडिकल के बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन के दौरान ही हम हाजीपुर रेलवे ट्रायल देने गए थे, वहाँ भी सब चीज़ ट्रायल उरायल हुआ, पर लॉकडाउन के वजह से उसका किसका ज्वाइनिंग हुआ किसका नहीं उसको भी पता नहीं चला। तो हम जब इधर उधर स्टेट हम भटक रहे हैं, अपना झारखंड के लिए हम खेल रहे हैं, अदर स्टेट के लिए हम भटक रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत अच्छा की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। हाँ दुर्भाग्य की बात है कि हम झारखंड के लिए खेलना चाहते हैं। और सही में सर मेरा पापा फुटबॉल खेलते थे पहले, मेरा पापा का देहांत हो गया, हम चाहते थे कि सब हमको बोलता था कि तुम्हारा पापा फुटबॉल खेलते हैं, तो हमको लगता था कि नहीं मेरा पापा खेलते थे, और अभी अगर हम खेलेंगे अगर हम इंडिया खेलते तो बोलेंगे देखो आज दिलू राम का बेटे आज इंडिया खेली है। मेरा गांव लोग हमको जाने कि आशा नाम की भी कोई इस गांव में खेलती थी, सब लड़की लोग छोड़ी, पर उसको हम प्रूफ देने के लिए कि तुम लोग खेलना छोड़ दी ये सबसे बड़ी गलती की, ये हम चुनौती देना चाह रहे थे, पर आज हम ही दर बदर भटक रहे। मतलब जितना भी लड़की खेली सबका भी यही कहना था कि तुम खेल के देखते ना क्या करती, अगल बगल लोग भी बोलते थे कि देखते हैं लड़का लोग कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगी। हम यही दिखाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते थे, उदय सर को बोलते थे सर जैसा जितना बजे आप हमको प्रैक्टिस के लिए बुलाएगा हम सब चीज़ काम को सही समय करके हम उस टाइम को निकलेंगे प्रैक्टिस का अलग टाइम, और हम खेलेंगे, हम इंडिया खेलना चाहते हैं। अभी क्या स्थिति है झारखंड में खेल का? सर झारखंड का खेल मेडल उडल तो सब दे ही रहा है, झारखंड जो प्लेयर जितना प्लेयर अपना तरफ से फुल एफर्ट लगा रहे, हम चाहते हैं कि हम लोग हमारा सरकार भी हम लोग तरफ से जैसा हम लोग एफर्ट लगा रहे वैसे हमारा सरकार भी एफर्ट लगाए, ताकि आने वाला कल में जो भी प्लेयर निकलेगा, अभी हम निकले तो मेरे देख के तो गांव वाला बोलेगा ना वो आशा आज वहां से यहां खेली हम भी खेलते हैं। इसी तरह अगर झारखंड हम लोग के लिए कुछ निकालते हैं, हर एक स्टेट में कोई ना कोई वैकेंसी है स्पोर्ट्स का, फुटबॉल के लेके कहीं कहीं फुटबॉल का CSF है, कहीं BSF है, कहीं यह रेलवे है हाजीपुर रेलवे है फुटबॉल का। इसी तरह हम चाहते हैं कि झारखंड में रेलवे टीम हो या फिर पुलिस टीम हो, ताकि एक जगह इकट्ठा हो कि हम लोग सीनियर इंडिया में सीनियर नेशनल में भी मेडल दे। क्यों मणिपुर चैंपियन होता है? क्योंकि मणिपुर के पास स्कोप है, वहाँ पे प्लेयर लोग को मान्यता दिया जाता है कि हाँ वहाँ पे जो प्लेयर मेहनत करता है उसका मेहनत पानी नहीं जाता है। सरकार द्वारा अभी तुमको क्या मदद मिल रहा है कुछ? सर अभी तो हमको सरकार द्वारा कुछ मदद नहीं मिल रहा, हम 6 साल थे रांची साहब में, हमको स्पोर्ट्स द्वारा वहाँ हॉस्टल में खाना पाना फ्री किया गया था, मेरा नेशनल हम खेले थे तो वहाँ हम खेलते थे। खेलने के बाद आने के बाद हम अभी तो कुछ नहीं है सर, अभी तो देख ही रहे हैं कि अभी सिचुएशन क्या है लॉकडाउन की वजह से, आप मेरे मम्मी को देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। अभी कोई मदद के लिए तुम्हारे पास हाथ बढ़ाया? हाँ सबसे पहले यहाँ हम लोग के देव सर आए थे, देव सर ने हमको बोले कि जो भी हमारे तरफ से मदद होगा हम देंगे, हमको वो 50 किलो आटा दिए, चावल दिया, राशन सामान भी दिए। और जिला प्रशासन द्वारा? और जिला प्रशासन द्वारा मथुरा प्रसाद के द्वारा कोई आए थे, वो भी चावल दिए थे और कुछ सामान दिए थे। और वीडियो सर भी कल आए थे, वो 5,000 रुपया दिए थे और 50 किलो चावल, वो भी बोले थे किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। पर सर हमको मीडिया द्वारा सबको को पता चला कि हम एक इंटरनेशनल इस गांव में खेलते हैं। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि आशा नाम की लड़की है जो पंचायत से कोई खेली है, नेशनल इंटरनेशनल कोई हम लोग को नहीं जानता था।
आज अगर लॉकडाउन नहीं जानता तो इंडिया कौन खेली है ये किसी को नहीं पता चलता। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ, मतलब हम लोग खेल रहे सर तो कहीं ना कहीं झारखंड का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। तो बस नाम होने से नहीं होगा ना सर, प्लेयर को कुछ मिलेगा तब ना आगे दिन चल के हम लोग के लिए भी, हम लोग का झारखंड टीम जाते हैं, हम लोग कहीं भी खेलने जाते हैं अगर झारखंड टीम जीतता है ना सर तो हम लोग से ज़्यादा तो सरकार लोगों को खुशी होता है कि चलो झारखंड टीम हुआ। हम लोग को तो इतना खुशी होता है कि चलो हम लोग को पूरा झारखंड में इतना सारा जनसंख्या के बीच में हम लोग 20 लड़की जाके खेल के आ रहे हैं, ये हम लोग को बहुत बड़ी गर्व की महसूस होता है। पर महसूस जब जैसे खेल के आते हैं तो फिर वो जो खुशी होता है वो ख़त्म हो जाता है कि चलो अब तो फिर वही सुबह उठना है, घर का काम करना है, फिर थोड़ा जो टाइम मिलेगा फुटबॉल खेलना। ललिता कुमारी, ये कौन सा जगह कौन सा है? लक्ष्मीपुर। क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, मम्मी के साथ खेत में काम करते हैं और अभी पढ़ाई तो हम लोग का एग्ज़ाम का लेटर निकला था, उसके बाद फिर लॉकडाउन के वजह से कैंसिल हो गया है, फिर बोल रहे हैं 1 जून से स्टार्ट होगा। पता चला तुम फुटबॉल भी खेलती थी? यस सर, अभी भी खेलते हैं, अभी लॉकडाउन के वजह से अभी हम लोग का प्रैक्टिस भी बंद है। और कहाँ तक खेली सर? हम स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल भी खेले हैं। अभी तक क्या मिला तुम्हें? सर अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है, बस स्कॉलरशिप भरे थे तो स्कॉलरशिप आया था बस। झारखंड में जो खेल के प्रति जो रवैया है सरकार का, उससे कितना मनोबल बढ़ रहा तुम्हारा? सर मनोबल बढ़ कहाँ रहा है, कुछ होता तब ना बढ़ता, अभी तो जो देखा जा रहा है अभी तो हम लोग से भी ऊँचा ऊँचा बहुत कोई खेली है, उन लोगों का कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग का कहाँ से होगा। क्या खेल के प्रति सरकार ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, तो घोषणा तो की थी पिछले बार की खिलाड़ियों को मतलब नौकरी वगैरह दी जाएगी। घोषणा करने से थोड़ी होता है, उसको आगे बढ़ाने से होता है, सिर्फ बोल देने से नहीं ना होगा, किसी को मिलेगा कोई प्रूफ रहेगा तब ना पता चलेगा, कुछ है ही नहीं बस बोल देने से, बोलने का तो बहुत कोई कुछ भी बोल देता है। कितने खिलाड़ी हैं तुम्हारे परिवार में? हम लोग 5 गो यहाँ से खेलते थे, बट अभी बहुत को छोड़ दी, 2-3 गो छोड़ दिए, बस 2-3 गो ही खेलते हैं। क्यों छोड़ी? कुछ होता ही नहीं था, घर का जो स्थिति था उसके कारण बहुत किसी को बाहर काम करने के लिए भी जाना पड़ा। क्या मांग करती सरकार से, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, बस इतना मांग करते हैं कि हम लोग का मतलब अपना पैर में खड़ा होने का कोई संस्था देना चाहिए, जिससे हम लोग अपना भी पैर में खड़ा रहेंगे और हम लोग घर का स्थिति भी बना रहे। अगर हम लोग के पास अभी नहीं है इसलिए तो हेल्प करने के लिए सब आ रहा है, हम लोग के पास रहेगा तो हम लोग भी किसी का हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम पुटकी देवी। ये कौन सा गांव, कौन सा है? गांव है लक्ष्मीपुर। क्या करती है आपकी बेटियां? हमको बेटी दोनों खेला है फुटबॉल। कैसे आप अपने बच्चे को अभी खेल के लिए आगे बढ़ा रहे, क्या करते हैं आप? सब्जी बेच के, दोसर के जमीन में सब्जी उगा के बेचे आधा भाग पर। कहाँ तक खेली आपकी बेटी? पूरा इंडिया तक गोटे खेल के आएगा। इंडिया खेल रही है आपकी बेटी, तो आपको तो गर्व होगा पूरा। गर्व हो तो कुछ मिलवे नहीं करो, गर्व करके की करवा। लॉकडाउन में तो कोई आवो खोज पूछे लो, तब बाद में तो कोई पूछो ना आवो कि कैसे घर चलो कैसे ना चलो, उठन तो कोई पूछबे नहीं करो। बेटा को पढ़े लिए साइंस फर्स्ट डिवीजन पास कर लो, पॉलिटेक्निक दे लिए फर्स्ट डिवीजन पास कर लो, पैसा कौड़ी घटी गलो। बेटा कहलो मैया जब बहन सब फुटबॉल खेला हो तो घर कैसे चलतो, हमार बेटा हाजिरी खटे लगल घर चलो खातिर। सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिल रहा? नहीं, कोई मदद नहीं दे रहा। तो बेटा को कैसे घर चलतो, तो अरे बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ के हाजिरी खटो। जब वो खेल रही थी तो आपको कुछ तो होगा कि मतलब मेरी बेटी आगे बढ़ेगी तो देश में? तब नहीं पढ़े ही नहीं रहा सरकार, कुछ मदद करता तो हमने कुछ मदद नहीं करा। वीडियो सब आए थे, वीडियो सब आए तो कल आधे 5-10 किलो चार दे लो और कुछ नहीं दे, 5,000 पैसा दो। उतना दिन में कितना दिन चलते 5,000 पैसा? एक तो नहीं बुखार है तो 400-500 तो डॉक्टर ही घर खत्म। ऐसा के स्थिति में इतना लॉकडाउन रहा कहियो हम घर नहीं, सब दिन बाजार सब्जी बेच के आना ही, तो कभी नून घटलो कभी तेल घटलो। पति कब एक्सपायर किया आपके? 20 साल पहले। 20 साल हो गए? पहले 20 साल हो गए। उसके बाद घर आपने संभाला? हम ही घर चले, कोई ना घर चले गए, समर्थ मायको में माए बाप सबको गुजर गया। हम अपना खाली सामान लड़ाई सब्जी बेच बेच के खाली अखनी के बिल पास के बड़ा कर रहा है। क्या मांग करते सरकार से, क्या होना चाहिए? मांग करे कि हमारे बेटी की जॉब दे। धनबाद से स्वदेशवाणी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।